हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अपने पैन कार्ड को हम अपने SBI अकाउंट से कैसे लिंक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन। तो आज की इस वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यान से एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हमें अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम अपने SBI की इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट को हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। लॉगिन बटन पर क्लिक करके, कंटिन्यू टू लॉगिन बटन पर क्लिक करके यहाँ पर हमें यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो अब यहाँ पर हम SBI इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें 3 लाइन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है ई सर्विसेज का, हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है पैन रजिस्ट्रेशन का, हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो दूसरा पेज है वो लोड हो रहा है, तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें SBI इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड हमें यहाँ पर एंटर करना है, तो चलिए एंटर कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये लोड हो रहा है, तो चलिए यहाँ पर हम इसको लोड होने देते हैं। अब यहाँ पर हमें थोड़ा स्लाइड करना और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू रजिस्टर, हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ये कह रहे हैं पैन और नीचे लिखा हुआ है री एंटर पैन, तो चलिए यहाँ पर हम दोनों पॉपअप में अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं नेम, CIF नंबर और पैन नंबर, हमें यहाँ पर कर देना है कंफर्म। कंफर्म बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, यानी कि हाई सिक्योरिटी पासवर्ड, यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं। अब हमें कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कह रहा है योर पैन अपडेट रिक्वेस्ट विद रेफरेंस नंबर, ये आ गया है, इज एक्सेप्टेड सक्सेसफुली एंड विल बी वैलिडेटेड बाई ब्रांच शॉर्टली। You can also check status through the status tab. इनके कहने का मतलब ये है कि जो हमारी रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर ली गई है और ब्रांच से जल्द हमारी रिक्वेस्ट को सबमिट कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि आप स्टेटस बटन पर क्लिक करके इसकी स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम स्टेटस बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें अपना प्रोफाइल पासवर्ड डाल के सबमिट कर देना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे अकाउंट का CIF नंबर ये है और यहाँ पर पैन नंबर ये एंटर किया है हमने, और जो हमारी स्टेटस है वो अभी पेंडिंग में है और अप टू 24 आवर्स के अंदर हमारी जो ये पेंडिंग रिक्वेस्ट है ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और जो हमारा पैन कार्ड नंबर है वो हमारे SBI अकाउंट से लिंक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल बटन पर जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।